नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 4 स्वामी विवेकानंद जो प्रेमचंद द्वारा लिखी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में लिखा। स्वामी विवेकानंद ने कितनी ख्याति प्राप्त की, इन सब के बारे में उन्होंने कहा है। और अंतिम में स्वामी विवेकानंद यानी अर्थात नरेंद्र जी जो स्वामी जी के नाम से जाने गए, धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई थी। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पलट्टू हो गए। और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। इनमें कुमारी नोबल भी थी जो बाद में भगिनी यानी उनकी पत्नी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा है कि क्षत्रियो भी पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर सन 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित यानी उत्कर्ष उनके मन में उत्साह जागा और उनके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनने लगी यानी जगह जगह उनकी स्वागत की तैयारियां होने लगी थी। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबा में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। कोलंबा से अल्मोड़ा गए, जिस जिस नगर में वे पधारे लोगों ने राह में आग बिछा दी यानी इतनी भरपूर उनकी स्वागत और सत्कार किया। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती थी उससे कई गुनी झलक पाने के लिए स्वामी जी को ही उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे यानी बहुत दूरी से उनके दर्शन के लिए वहाँ जहाँ स्वामी जी जाते थे वहाँ दर्शन के लिए आते थे। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार रीति नीति साहित्य दर्शन सामाजिक जीवन उसके पूर्व काल के महापुरुष इन सबको श्रद्धा योग और सामान्य मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वाले, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय वीरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो मेरा भाई है। इस तरह से उनके विचारों में उनके भाषण में यही देशभक्ति की भावना छिपी रहती है और यही सीख सबको देते थे। लेकिन अपट भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं, इस तरह वो उनके भाषण में बोलते हैं। भारत मेरा जीवन मेरा प्राण है, भारत मेरा जीवन है मेरा प्राण है, भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है यानी मेरा झूला है, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। इस तरह भारतवासियों को अपनी सुविचार से उनको कहते थे कि जो कुछ भी है वो भारत ही है मेरे लिए, अपनी देशभक्ति की भावना प्रकट करते हुए उनको समझाते थे भारतीयों को।
बाकी का हम अब कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। बाय बच्चों।